दोस्तों नमस्कार। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रथम बार कन्नौज आगमन पर आ रहे हैं और हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय प्रभात गौतम जी हमारे साथ हैं। तो आइए बात करते हैं प्रभात जी से। प्रभात जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी आ रहे हैं प्रथम बार, तो नेताजी के बारे में थोड़ा सा। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि बीते दिनों हमारे पार्टी के एक जाबाज सिपाही मिशनरी साथी भाई आजाद समाज पार्टी के जिला महासचिव बंटू कठेरिया जी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके चाचा के द्वारा गोली मार दी गई थी। तो उसी के संदर्भ में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दी थी कि मैं बहुत जल्द बंटू के परिवार से मिलने के लिए आऊँगा, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आऊँगा। तो उसी की कड़ी में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 13 तारीख पार्टी के द्वारा एक निश्चित की गई है, जिसमें भीम आर्मी के चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी शाम के 4 बजे आ रहे हैं। जयसिंहपुर ग्राम में सिकंदरपुर के पास में है, जिला कन्नौज में। ये एक शोक संवेदना है क्योंकि इस पे हम लोग ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक है कि आज हम लोगों ने एक होनहार कार्यकर्ता पदाधिकारी को खो दिया है, जो कहीं ना कहीं आगे चल के एक अच्छा नेता बनने के जो हुनर थे वो कहीं ना कहीं आज हम लोगों के चकनाचूर हुए। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे जिला अध्यक्ष प्रभात गौतम जी को। कन्नौज से आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक जिला स्तर के कार्यकर्ता के निधन पर उनके घर तक आ रहे हैं, ऐसा अमूमन राष्ट्रीय पार्टी वगैरह में नहीं देखा जाता है। जो बड़े बड़े नेता होते हैं तो ये लोग नहीं जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर भाई जो हैं इसी बात के लिए एक फेमस हैं कि चाहे आपके सुख में आए या ना आए, लेकिन जब आपकी दुख की घड़ी होती है तो जरूर आते हैं। और हम जनपद वासियों को इस बात की भी खुशी है कि हमारे जनपद कन्नौज में आजाद समाज पार्टी के चीफ माननीय चंद्रशेखर जी प्रथम बार आ रहे हैं। लेकिन ये समय कुछ और होता तो यहाँ पर कुछ माहौल और होता, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। इस मामले पे अध्यक्ष जी से ही बात करते हैं, क्या कार्यकर्ताओं से कोई मुलाकात होगी अध्यक्ष जी? अभी तो पूरा 100% तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लगातार प्रोग्राम लगे हुए हैं, लेकिन प्रयास रहेगा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं या जो हमारे बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, मिशनरी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात कराई जाए। प्रयास रहेगा पूरा और देखते हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से समय निकाल उनसे बोला भी गया है कि आप हमारे जनपद के लिए कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा समय अवश्य दें। अगर आ रहे हैं तो करना विश्वास दिलाते हैं हम अपने जिले की आवाम, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं या मिशनरी साथी हैं, कि आप लोग अधिक से अधिक भाई जयसिंहपुर ग्राम में पहुँचें और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी वहीं आपके लोगों के सामने होंगे और हम लोग कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में हम लोग पहुंचकर, एक भारी संख्या में पहुंचकर भाई बंटू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोस्तों का जो हमको आज़ाद जी की और भी जानकारी अगर मिलती है तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। आने वाली 13 तारीख तक जो भी आपको हमको सूचना मिलेगी वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।